दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 200 वाट फ्लड लाइट को कैसे असेंबल किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास नया मॉडल आया है। इससे पहले भी मैंने 200 वाट फ्लड लाइट को असेंबल करके आपको दिखाया है। ठीक है, उस पर वीडियो बनाई हुई है मैंने। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है आपको। ठीक है, और ये हमारे पास भी नया मॉडल है, तो इसको भी मैं असेंबल करके आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मेन क्या है, बाकी जो असेंबल करने का जो प्रोसेस होता है सेम होता है। ठीक है, जैसे हमने उसे किया था इसे भी सेम करना है हमें। ठीक है, असेंबल करने से पहले थोड़ा जो पार्ट्स हैं हमारे हैं, जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके विषय में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी ये हाउसिंग होती है, ये हैवी वेट है। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो मीडियम वेट में थी, बट ये हैवी वेट में है। ठीक, सेकंड ये ब्रांडिंग के लिए है। ठीक है, इस पर ब्रांडिंग की जाती है। थर्ड हमारा ये लेंस कार्ड होता है। फोर्थ नंबर पे हमारी ये MCPCB है। ठीक है, ये 200 वाट की है, इसमें 200 LED हैं, 1500 mAh की ये PCB है। नेक्स्ट हमारे ये ड्राइवर हैं। ठीक है, इसमें चार चौक यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये ड्राइवर होते हैं, अडेप्टर भी बोल देते हैं, सप्लाई भी बोल देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये गैसकेट होता है। ठीक है, ये रबड़ है गैसकेट, जो पानी को अंदर जाने से रोकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये केबल ग्लैंड होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें ये नट बोल्ट वगैरह है हमारे। ठीक है, इसमें स्क्रू भी हैं और नट भी है हमारे। ठीक है, और फाइनल हमारा एक ये हैंडल होता है। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट पार्ट्स हो गए इसमें। अब हम आपको इसे असेंबल करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या इसे असेंबल कैसे करते हैं। ठीक, फर्स्ट सबसे पहले हमारी जो PCB है, ठीक है, MCPCB है, जो LED चिप माउंटेड है, इसे हमें ये सेट करना होता है। ठीक है, PCB को सेट करने से पहले इसके बैक में हमें हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लगाना है। कुछ इस तरह से हमें हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट लगा लेना है इसके बैक में, और इसे हमें सेट कर देना है। अब हमें ये स्क्रू सेट कर देना है इसमें। अब नेक्स्ट हमें ये ड्राइवर सेट करने है। इससे पहले हमें जो केबल ग्लैंड है, ठीक है, इसे सेट कर लेना है। नेक्स्ट हमें सिलिकॉन पेस्ट के द्वारा इन्हें हमें चिपका देना है। ये सिलिकॉन पेस्ट है ये। अभी हमारे जो ड्राइवर हैं ये सेट हो चुके हैं ये। अब हमें इनके कनेक्शन करने हैं। ठीक है, इसमें जो माइनस प्लस के हिसाब से हमें कनेक्शन कर देने हैं। इधर के जो दो पॉइंट हैं ये प्लस के हैं, ये चारों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये चार पॉइंट, ठीक है, ये प्लस के हैं, और इधर ये माइनस के हैं चार पॉइंट। ठीक है, तो फाइनली हमें इन्हें सोल्ड कर देना है। कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पर सोल्डर लगा लेना है। सोल्डिंग करने से पहले सोल्डर इस तरह से लगाना, ठीक है, जरूरी होता है। ठीक है, इससे हमारे जो कनेक्शन है बहुत अच्छी तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं इसके। ठीक है, अब हमारे कनेक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हो गए, ये देखिए। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में इसके ऊपर लेंस कार्ड सेट करना है। ये लेंस कार्ड है ये। ठीक है, इसमें हमें पहले जो गैसकेट है हमारा, ठीक है, इसे हमें फिट कर लेना है। इसमें से सेट करना होता है इसके चारों ओर। इस तरह से ये हमारा गैसकेट सेट हो गया इसमें। ठीक है,
अब हमें जो हमारा ये ब्रांडिंग वाला ये जो रिफ्लेक्टर है, ठीक है, इसे हमें इसमें सेट कर लेना है। इस तरह ये सेट हो गया इसमें, ठीक है। अब इसे हमें इसके ऊपर सेट कर देना है। अब फाइनली हमें इसमें जो स्क्रू है इसके वो सेट कर देना है इसके चारों ओर, ठीक है। फाइनली हमारे जो स्क्रू हैं वो सब इसमें सेट हो गए हैं, ठीक है, वो टाइट कर दिए हमने सब। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस बचा है, ठीक है, जो लास्ट है, वो हमारा जो स्टैंड है इसे हमें सेट करना है इसमें। इसकी नट आइए दो। अब हमारी लाइट पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। ये फाइनली इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये 220 सप्लाई है, ये एसी सप्लाई है। हमारी लाइट ग्लो कर रही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये सेट हो चुकी है। अब हमारी लाइट का जो असेंबलिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको कुछ अदर जानकारी चाहिए, इसकी अदर डिटेल चाहिए, तो उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आप जो मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आपको प्राइस इसका चेक करना है, आपको इसे परचेज करना है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल, आपको जो भी कोई आपको अलग जानकारी चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आप लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें।